दोस्तों अगर आप भी एक यूट्यूबर है, यूट्यूब पर वीडियो बना के अपलोड करते हैं, तो आप दो तीन ऐप जो मैं आपको बताऊंगा अभी वो सारा कुछ आप यूज़ करते होंगे। जिसमें पहला आता है यूट्यूब एप्लीकेशन, जहाँ पे आप यूट्यूब का वीडियो देख सकते हो और यूट्यूब पर वीडियो अपलोड भी कर सकते हो, दोनों ही काम यहाँ पे आप कर सकते हो। सेकंड आपका आता है YT स्टूडियो, जहाँ पे आप यूट्यूब पर अपलोड किए वीडियो का परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो कि व्यूज़ कितना आया, सब्सक्राइबर कितना आया, अर्निंग कितना हुआ, ये सब कुछ आप देख सकते हो, ठीक है। और थर्ड आपका आता है यूट्यूब म्यूजिक, जहाँ पे आप म्यूजिक सुन सकते हो, गाना सुन सकते हो। और इस एप्लीकेशन को काफ़ी सारे लोग पहले से यूज़ करते आ रहे हैं और बहुत से लोग अभी भी यूज़ नहीं कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों आप बता दो, YouTube का एक नया अपडेट आया है जहां से अब आप YouTube म्यूजिक से पैसे कमाने वाले हो। अभी तक क्या होता था कि आप वीडियो बनाते थे, YouTube पे अपलोड करते थे, ठीक है, इसके अलावा Facebook, Instagram से भी उसी वीडियो से पैसे कमाते थे। लेकिन अब दोस्तों आप उसी वीडियो से, जो आपका पुराना वीडियो बनाया हुआ है, YouTube पे अपलोड किया हुआ है, उसी सेम वीडियो से आप YouTube म्यूजिक से पैसे कमाने वाले हो बिना मेहनत के। आपको कोई मेहनत नहीं करना है, बस एक सेटिंग करना है और सेटिंग को आपको समझना होगा अच्छे से, तभी आप YouTube म्यूजिक से उसी पुराने वीडियो से पैसे कमाने वाले हो। चलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देख लीजिएगा। आज मैं आपको सारा कुछ बताने वाला हूं कि आप YouTube म्यूजिक से पैसे कैसे कमाओगे, इसके लिए आपको कौन सेटिंग करना है, सारा कुछ बताऊंगा। इसके लिए मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहता हूं कि आप पैसे कैसे कमाओगे, ठीक है। जितने भी यूट्यूबर हैं वो YouTube म्यूजिक से पैसे कैसे कमा रहे हैं, यहां मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा, इसके बाद मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो यहां मैं जाता हूं YouTube म्यूजिक पे और यहां मैं आपको दिखाता हूं कि मेरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, यहां देख सकते हैं लर्न एंड अर्न करके, ठीक है। और इस प्लेलिस्ट को आपको मैं दिखाता हूं प्ले करके भी, यहां पे प्ले भी कर सकता हूं, ठीक है। और आप देख सकते हैं यहां पे ऐड भी आ रहा है, तो यहां से जो ऐड आएगा ना, इसी ऐड से आपको पैसे मिलने वाला है, ठीक है। यहां पर जितने भी लोग आपके वीडियो को देखेंगे उस पे ऐड आएगा, उसी ऐड से आपको पैसे मिलेगा। और यहाँ का ऐड, ठीक है, YouTube म्यूजिक का ऐड और आपका YouTube एप्लीकेशन का ऐड, दोनों ही जगह से आपको कमाई होने वाला है और आपका कमाई डबल होने वाला है, ठीक है। आपका कमाई डबल होकर कहाँ जाएगा, एडसेंस में जाएगा, दोनों ही जगह कमाई आपका एडसेंस में जाएगा। मतलब कि YouTube का कमाई और YouTube म्यूजिक का कमाई, दोनों जगह कमाई कहाँ जाएगा आपका, एडसेंस में जाएगा। और वहाँ से कैसे पैसे मिलता है आपको, वो सारा कुछ आपको पहले से पता है, ठीक है। या देखिए मेरा वीडियो आ गया है और इसी तरह से आपका वीडियो भी आ सकता है, लेकिन अभी आपका नहीं आ रहा होगा, ठीक है। अब आपको एक सेटिंग करना होगा, उस सेटिंग को करने के बाद ही आपका YouTube म्यूजिक में आपका वीडियो दिखा देगा, ठीक है। यहाँ पे होम में जाएंगे ना, तो यहाँ पे देखिए आपका म्यूजिक दिखा दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका भी वीडियो आ सकता है। और यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए ऊपर में काफी कुछ दिखा दे रहा है, फील गुड, रोमांस, पॉडकास्ट, ठीक है। तो ये पॉडकास्ट जो है ये पहले नहीं था, ठीक है, पॉडकास्ट बाद में ऐड हुआ है, अभी ऐड हुआ है। और पॉडकास्ट के थ्रू ही आपका वीडियो YouTube म्यूजिक पे देखा जाने वाला है, ऑडियो के थ्रू भी और वीडियो के थ्रू भी, आपका जैसा बनता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं नीचे आता हूँ, देखिए काफी सारे पॉडकास्ट यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ मैं देखिए इसको लगाता हूँ, ठीक है, मैं इसको लगा दूंगा। यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पे आप वीडियो पर देंगे तो आपका वीडियो भी दिखाई देगा, ऑडियो भी सुनाई देगा, ठीक है। यहाँ पर आपको साउंड में दे देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ऑडियो पे करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए जो थंबनेल है, थंबनेल के साथ में सिर्फ ऑडियो सुनाई देगा, ठीक है। यहाँ पे आप सिर्फ ऑडियो सुन सकते हैं, तो यहाँ पे आपका ऑडियो वीडियो दोनों ही तरह से लोग यहाँ पे भी आपके वीडियो को वॉच कर सकते हैं, सुन सकते हैं, ठीक है। अब आपको बताता हूँ कि आप सारा कुछ अपने वीडियो को कैसे यहाँ पे ऐड करेंगे, यूट्यूब म्यूजिक पे आपका वीडियो कैसे आएगा, इसके लिए कौन सेटिंग करना है, चलिए वो बताता हूँ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपने भाई का नाम डाल लीजिए। दोस्तों मेरा नाम है सुजीत और आप देख रहे सुजीत के वीडियोज, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा करके ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और सबसे पहले हमारे वीडियोज को आप वॉच कर सकें। चलिए मैं आपको समझाने चलता हूँ लैपटॉप स्क्रीन में, और यहाँ पे आपको सारा कुछ समझाऊंगा कि आपको कौन सेटिंग करना है, कहाँ करना है। और इस सेटिंग को आप अपने मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं, सिंपल सा आप गूगल क्रोम को ओपन कर लीजिए डेस्कटॉप साइट में, ठीक है। इसके जो भी आप काम करेंगे वो लैपटॉप की तरह ही होने वाला है। तो अब मैं आपको बताता हूँ लैपटॉप स्क्रीन में कि आपको क्या सेटिंग करना है, कहाँ पे करना है, ठीक है। तो मैं आ चुका हूँ अपने लैपटॉप स्क्रीन में और यहाँ पे आपको अपना YT स्टूडियो को ओपन करना है, मैंने भी ओपन किया हुआ है। और जब भी आप अपना YT स्टूडियो ओपन करेंगे तो यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस दिखाई देने वाला, ठीक है। आप YT स्टूडियो ओपन करने के बाद यहाँ पे देखें लेफ्ट हैंड साइड में डैशबोर्ड के नीचे दिखा दे रहा है कंटेंट, कंटेंट पे आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपका कंटेंट ओपन होगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियोस, लाइव पोस्ट, प्लेलिस्ट, पॉडकास्ट। देखिए पॉडकास्ट पहले नहीं था, ये यहाँ पर नया ऐड हुआ है, तो आपको जाना है पॉडकास्ट में। और यहाँ पर देखिए मेरा पहले से एक पॉडकास्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले आपको डिलीट करता हूँ, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं इसे हटा देता हूँ, ठीक है, इसे मैंने हटा दिया है। अब यहाँ पर देखिए जब भी आप पॉडकास्ट में क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली है, तो यहाँ पर वो दिखाई दे रहा है न्यू पॉडकास्ट का, आपको न्यू पॉडकास्ट बनाना है, तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आता है, क्रिएट ए न्यू पॉडकास्ट और सेकंड आपका है सेट एन एजिशन प्लेलिस्ट एज ए पॉडकास्ट। आप अपने प्लेलिस्ट को भी पॉडकास्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं बनाऊंगा यहाँ पे क्रिएट ए न्यू पॉडकास्ट, ठीक है। मुझे नया बनाना है तो मैं इस पर फर्स्ट वाले पर क्लिक करूंगा। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो बिल्कुल प्लेलिस्ट के जैसा ही यहाँ पे आपको ऑप्शन आ गया है। यहाँ पे आपको टाइटल डालना है अपने पॉडकास्ट का, ठीक है। तो यहां पे मैं वही टाइटल रखूंगा लर्न एंड अर्न, ठीक है, लर्न एंड अर्न।
अब यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में आप अच्छे से लिख सकते हैं, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं जिसके लिए आपको 5000 कैरेक्टर मिल जाता है, तो आप अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं। फिलहाल आपको वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ, टाइटल को मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको दिखा दे रहा है विजिबिलिटी, ठीक है। यहाँ पर आपका तीन ऑप्शन आता है, पहला है आपका पब्लिक, सेकेंड है प्राइवेट, थर्ड है अनलिस्टेड। तो आपको पब्लिक रखना है तभी लोग आपके इस पॉडकास्ट को देख पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपको थंबनेल लगाना है जो कि स्क्वायर होना चाहिए, 1:1 में आपका ए थंबनेल होना चाहिए, ठीक है। तो मैं बना के रखा हुआ पहले से, इसमें मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पर सेट कर दूंगा, ठीक है। डेस्कटॉप में रहूंगा और यहाँ पर देखिए मैंने पहले से ही बना करके रखा हुआ है। अब यहाँ पर मेरा थंबनेल जो है वो यहाँ पर आ गया है। इसके बाद सिंपल से आपको क्रिएट पर क्लिक कर देना है, क्रिएट पर क्लिक करोगे तो आपका पॉडकास्ट बन जाएगा, एक प्लेलिस्ट आपका बन जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए आपका पॉडकास्ट बन गया है, बिल्कुल खाली है, कोई भी वीडियो यहाँ पर नहीं है। तो आपको वीडियो ऐड करना है, वीडियो ऐड करने के लिए करना है, यहाँ पर देखिए आपको ऐड वीडियो का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन फिर से आएगा, अपलोड न्यू वीडियो, मतलब कि आप यहाँ से नया वीडियो अपलोड कर सकते हैं, और सेकंड है चूज एग्जिस्टिंग वीडियो, ठीक है। आपका जो वीडियो पहले से अपलोड किया हुआ यूट्यूब पर उसे ही आप यहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं। मैं भी यही करूँगा सेकंड वाला, मतलब कि जो पहले से वीडियो अपलोड किया हुआ है ये सेकंड वाले पर मैं क्लिक करूँगा, ठीक है। जैसे क्लिक करूँगा यहाँ पर देखिए आपका जितना वीडियो है उसमें से कुछ वीडियो यहाँ पर आ गया, ठीक है। और सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। टाइटल अगर आपको याद हो तो यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ वीडियो को यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। और तो यहाँ पर देखिए मैंने 6-7 वीडियो को सिलेक्ट कर लिया है, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए ऐड का ऑप्शन आ रहा है, ऐड करना है। जैसे ही आप ऐड करेंगे जितना वीडियो आपने सेलेक्ट किया हुआ है वो सारा कुछ आपका यहाँ पर पॉडकास्ट में आ जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जितना वीडियो मैंने सेलेक्ट किया था वो यहाँ पॉडकास्ट के अंदर में आ चुका है, और मैं आपको दिखाऊंगा YouTube म्यूजिक में जा करके जितना भी यहाँ पर मैंने ऐड किया है वो सारा कुछ वहाँ आया है या फिर नहीं आया। तो मैं जाऊँगा वापस से YouTube म्यूजिक में और यहाँ पर जाऊँगा अपना प्लेलिस्ट में, ठीक है, मतलब कि पॉडकास्ट में, और यहाँ आपको मैं दिखाता हूँ कि जो मैंने सेलेक्ट किया यही सारा वीडियो यहाँ पर आया कि नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लर्न एंड अर्न बन गया पॉडकास्ट, यहाँ पे प्लेस बन गया है, और यहाँ पे देखिए मैंने जितना वीडियो सेलेक्ट किया हुआ है वो सारा कुछ यहाँ पे आ गया है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वीडियो मैंने सेलेक्ट किया हुआ था और 7 वीडियो यहाँ पे आ गया है। आप लैपटॉप वाला स्क्रीन में भी देख सकते हैं, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वीडियो यहाँ पे मैंने ऐड किया और यहाँ पर आ गया है। ऐसे ही आप भी अपने पॉडकास्ट के अंदर में पुराना ही वीडियो को जो आपका यूट्यूब पर अपलोड किया हुआ है वही सारे वीडियोज़ को आप अपलोड कर सकते हैं। और मैं आपको प्ले करके भी दिखाता हूँ कि वाकई में प्ले होता है या फिर नहीं होता है। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा प्ले करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐड भी आ गया, और ऐड आने के बाद यहाँ पर आपको मैं दिखाऊँगा कि आपका ये वीडियो ऑडियो दोनों ही में आपका प्ले होता है या फिर नहीं होता, ठीक है। तो मैं ऐड हटा देता हूँ, इसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा वीडियो आ चुका है, प्ले हो रहा है, और यहाँ पे देखिए वीडियो फॉर्मेट में है। अभी मैं यहाँ पे ऑडियो करूंगा तो यहाँ पे देखिए थंबनेल दिखाई दे रहा है और थंबनेल के साथ साथ ऑडियो सुनाई दे रहा है, ठीक है। आपको साउंड सुन सकते हैं, देखे जा रहे काफी ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका थंबनेल दिखाई दे रहा है और आपका साउंड सुनाई दे रहा है जिसको लोग सुन सकते हैं। यहाँ पे आपके ऑडियो में हो गया और वीडियो में आपका वीडियो भी सुनाई देगा, वीडियो भी दिखाई देगा और ऑडियो भी सुनाई देगा। तो इस तरह से दोस्तों आप भी अपना वीडियो जो पहले से अपलोड किया हुआ यूट्यूब पर उसको आप पॉडकास्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं और यहाँ यूट्यूब म्यूजिक से भी आप एक्स्ट्रा पैसे कमा सकते हैं। अगर आप ये तरीका अपनाओगे तो आपका अर्निंग जो है वो बढ़ने वाला है और इस तरह से आप अपना अर्निंग डबल कर सकते हो। YouTube से भी पैसा कमाओगे, YouTube म्यूजिक से पैसा कमाओगे, और अगर आपका वीडियो Facebook पर भी अपलोड करते हो तो वहां से भी आपका पैसा आने वाला है। तो इस तरह से दोस्तों आप भी पॉडकास्ट क्रिएट कर सकते हो और यहां से पैसे कमा सकते हो। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा, वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा करके ऑल पर सेट कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और सबसे पहले हमारे वीडियोस को आप वॉच कर सकें। चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।